Hello everyone, this is Krishna Jadhav from Sri Vaishnav Institute of Forensic Science, Vaishnav University, Indore. So friends, today we will discuss about cyber forensic investigation process, about how do we investigate a cyber crime. So today we will discuss all the investigation process in this video. So basically, what is cyber forensic? Cyber forensic is a branch of forensic science जिसमें कि हम जो भी कंप्यूटर है या फिर डिजिटल डिवाइसेस हैं उनकी हेल्प से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं जो भी क्राइम हुआ है और उसको इस प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं ताकि वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट किया जा सके और हम उसकी चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हैं. सो बेसिकली कंप्यूटर फॉरेंसिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस टेक्निक टू गैदर एंड प्रिजर्व एविडेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंप्यूटिंग डिवाइस इन अ वे दैट इज सुटेबल फॉर प्रेजेंटेशन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. सो हाउ डू वी इन्वेस्टिगेट अ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ 6 से 7 स्टेप्स होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती है, जो कि एक आइडियल इन्वेस्टिगेशन की स्टेप्स मानी जाती हैं, जैसे प्री इंसिडेंट प्रिपरेशन, इनिशियल रिस्पॉन्स, फॉर्मुलेशन ऑफ रिस्पॉन्स एंड स्ट्रेटजी, इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट, रिव्यूइंग द डाटा कलेक्शन, रिपोर्टिंग एक्यूरेटली एंड रिजोल्यूशन. एंड हियर इज द चार्ट विच शोज ऑल द स्टेप्स सीक्वेंस वाइज. सबसे पहले प्री इंसिडेंट वाला जो स्टेप है वो आएगा, उसके बाद डिटेक्शन ऑफ इंसिडेंट, फिर इनिशियल रिस्पॉन्स, फिर फॉर्मुलेशन रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी, फिर फॉर्मुलेशन रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी के बाद इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में 2 चीज़ें होंगी. एक डाटा कलेक्शन होगा, हम जो भी डाटा जो हमें मिला है क्राइम सीन पर या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर या फिर डिवाइस से, वो कलेक्ट होगा, वो एनालाइज होगा, उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी. वॉट नॉट टू बी डन ड्यूरिंग अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन? क्या नहीं करना चाहिए? ऐसी कुछ चीज़ें जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो या फिर वो हार्म हो या फिर वो मैनिपुलेट हो सके हमारी वजह से एज अ इन्वेस्टिगेटर. तो आपको अवॉइड करना है फाइल का एक्सटेंशन, फाइल की प्लेस, फाइल की लोकेशन, कुछ भी चेंज नहीं करना है. मतलब यू हैव टू अवॉइड ऑल दिस. डाटा इट्सेल्फ, डाटा भी चेंज नहीं करना है, जैसे कि मैंने बताया. ओवरराइटिंग ऑफ अनअलोकेटेड स्पेस, अनअलोकेटेड जो स्पेस है सिस्टम में या फिर हार्ड ड्राइव में या फिर हार्ड डिस्क में, उसको ओवरराइट नहीं करना है. दीज आर द टूल्स विच आर मस्ट फॉर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. डिस्क इमेजिंग सॉफ्टवेयर, डिस्क इमेजिंग सॉफ्टवेयर हार्ड ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क या फिर कंप्यूटर डिस्क की इमेज हमें एज इट इज इमेज क्रिएट करने में हेल्प करता है. फाइल रिकवरी प्रोग्राम से अगर कोई भी डिलीटेड डाटा है किसी भी हार्ड डिस्क से या फिर कंप्यूटर ड्राइव से, तो हम रिकवर कर सकते हैं. एनक्रिप्शन डिकोडिंग सॉफ्टवेयर, अगर कहीं भी एनक्रिप्टेड कोई फाइल है उसको डिकोड, उसको डिक्रिप्ट करने में हेल्प करते हैं. पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर, अगर किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर जहाँ जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं और अगर उसमें पासवर्ड है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है उसे क्रैक करने में हेल्प करते हैं. सो लेट्स मूव टूवर्ड द बेसिक स्टेप फॉर इन्वेस्टिगेशन. जो सबसे पहला स्टेप था प्री इंसिडेंट प्रिपरेशंस. प्री इंसिडेंट प्रिपरेशंस में आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो, उसके पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रिपेयर करना है. इम्प्लीमेंटिंग द होस्ट बेस सिक्योरिटी मेजर्स. होस्ट बेस जो भी होस्ट है उसके पार्ट पे आपको सिक्योरिटी मेजर्स इम्प्लाई करने हैं. आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सिक्योर्ड है. जो भी नेटवर्क आप जो भी पर्टिकुलर नेटवर्क यूज़ कर रहे हो डाटा सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए या फिर कुछ भी ट्रांसफ़र करने के लिए, वो सिक्योर होना चाहिए. यू नीड टू इंश्योर बैकअप्स. एज इफ अगर कुछ भी डाटा डिलीट हो गया हो या फिर हो सकता हो, मे बी वल्नरेबल डाटा होता है जो डिलीट हो जाता है, तो उसके लिए आपको बैकअप वो है सिक्योर करना होगा. एंड टाइमली वल्नरेबल असेसमेंट्स, आपको विथ स्पेसिफिक टाइम, आपको जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि मे बी इट में डिटेरियोरेट विद टाइम, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. देन कम्स CSIRT प्रिपरेशन. CSIRT इज बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स इन्वेस्टिगेशन रिस्पॉन्स टीम. जो भी टीम होता है रिस्पॉन्स करने के लिए वो जाते हैं. तो जो भी हार्डवेयर है, आपके पास प्रॉपर हार्डवेयर होने चाहिए, जितने भी प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर हैं वो होने चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी कंप्यूटर सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ज़रूरी है उस इंसिडेंट पे, वो होने चाहिए. और
आपके पास अप्रोप्रिएट अपनी खुद की पॉलिसीज होनी चाहिए और एक ऑपरेशन प्रोसीजर होना चाहिए कि दिस इज हाउ यू विल ऑपरेट द फर्दर इन्वेस्टिगेशन. और एंड यू हैव टू ट्रेन योर स्टाफ एंड द फॉरेंसिक टीम इन सच अ मैनर दैट इट विल एम्प्लॉय अ बेटर एंड सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्री इंसिडेंट प्रिपरेशंस. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, डिटेक्शन ऑफ इंसिडेंट्स. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. ऐसे स्टेप में आपको पता होना चाहिए, लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट अ साइबर क्राइम, इफ़ आपको पता ही नहीं होगा, इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, यू विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्टिगेट इट. सो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी टीम है या फिर साइबर फॉरेंसिक, जो भी साइबर कॉप्स हैं, वो जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे जब तक उन्हें पता नहीं होगा कि कोई भी जो भी साइबर क्राइम है वो हुआ है या नहीं हुआ है. तो सबसे पहले आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा. साइबर क्राइम कैसे भी डिटेक्ट हो सकते हैं, लाइक इफ़ कोई भी अनऑथराइज्ड या फिर अनएक्सेप्टेबल या फिर कोई भी अनलॉफुल इवेंट अगर हुआ है रिगार्डिंग किसी भी कंप्यूटर में या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर में, तो वो जो डिटेक्शन है वो एट द टाइम होना चाहिए, तभी जो भी साइबर टीम है वो रिस्पॉन्स कर पाएगी उस इंसिडेंट को. और जो भी इंसिडेंट अगर होता है तो वो मेनली IDS अलर्ट्स और जो एडमिनिस्ट्रेटर है, लाइक कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके थ्रू वो अलर्ट होता है कि हाँ कुछ सिस्टम ब्रीच हुआ है या फिर कुछ इंसिडेंट हुआ है या फिर कुछ ऐसा कुछ अनलॉफुल या फिर अनऑथराइज्ड एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है. यहाँ पे जो इंसिडेंट है वो इट मे बी इधर फ्रॉम द एंड ऑफ अ यूज़र और इट मे बी इधर फ्रॉम द एंड ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में. नेक्स्ट स्टेज जो कि इनिशियल रिस्पॉन्स. एंड इनिशियल रिस्पॉन्स में हम बेसिकली ये करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो कि कलेक्ट करना रहता है इंसिडेंट के बारे में, इंफॉर्मेशंस कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसको कौन यूज़ कर रहा था, इट मे बी अ कंपनी, इट मे बी अ स्पेसिफिक पर्सन, इट मे बी अ ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर, और कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजीज यूज़ की थी और कितने जो भी नेक्सेस, जो एक्सेस कंट्रोल्स हैं, जितने भी नेटवर्क्स हैं वो कनेक्टेड था, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी होगी. सो जितने भी ये सब इंफॉर्मेशन हैं वो सब कलेक्ट करनी होगी हमें इनिशियल रिस्पॉन्स में. और इनिशियल रिस्पॉन्स में यू डोंट हैव टू, लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू द क्राइम सीन, यू डोंट हैव टू टच एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डिस्टर्ब एनीथिंग. आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके बारे में कि पर्टिकुलर जो भी कंप्यूटर है या फिर पर्टिकुलर जो भी सिस्टम है उसको कौन एक्सेस कर रहा था, और इफ़ जो मेन जो यूज़र है उसके अलावा अगर किसी ने एक्सेस किया हो, तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट जो डिटेलिंग होती है ये सब कलेक्ट करना है. फिर आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको साइबर क्राइम को उसको क्लास करना है कि वो किस टाइप का साइबर क्राइम हो सकता है या फिर वो है भी नहीं या फिर व्हाटएवर जो भी है. फिर आपको इंसिडेंट का टाइप जो है वो उसको क्लास करना है. फिर आप लोग इम्पैक्ट, जो भी इंसिडेंट का जो इम्पैक्ट है आगे फर्दर स्टेजेस पे क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी परफॉर्म करनी है. नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू दिस स्ट्रैटेजी. कोई भी साइबर क्राइम अगर होता है, जो भी साइबर इंसिडेंट होता है, तो उसके आसपास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं, लीगल फैक्टर्स होते हैं, बिजनेस फैक्टर्स होते हैं. तो ये जो पर्टिकुलर इतने सारे फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट कर सकते हैं आपके साइबर इंसिडेंट को. तो आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो ध्यान में रखने होंगे ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिंग द इंसिडेंट, कि कितना सीरियसनेस या फिर बोल सकते हैं कितना क्रिटिकल डैमेज या फिर डैमेज नहीं तो कितना क्रिटिकल अटैक, वॉट एवर जो भी है, वो कितना उसकी ऑन द स्केल वो कितना ज़्यादा क्रिटिकल है. एंड जो भी इंसिडेंट है या वो पब्लिक है या फिर प्राइवेट है, कि अगर इंसिडेंट होता है तो वो इज इट नोन टू पब्लिक और इज इट नोन टू ओनली स्पेसिफिक ग्रुप, पीपल, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, वॉट एवर. कितने यूजर्स हैं, कितने कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, ये सब. और इंसिडेंट वेरी कर सकता है क्योंकि वायरस आउटब्रेक से लेके थेफ्ट कुछ भी हो सकता है इंसिडेंट में. तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के हमें एक उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा. अब आती है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इसी प्रोसेस में आप डिटरमाइन या फिर सॉल्व कर सकते हो केस को. लाइक
अब आपको अपने थ्योरी एक रिस्पांस थ्योरी बना ली है कि अब आपको आपने उसको एक क्लास में डिवाइड कर दिया है कि इस टाइप का पर्टिकुलर साइबर क्राइम है और इतने फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं और अब आप उसको ऐसे रिस्पांस करोगे। तो सबसे पहले आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हु व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ इंसिडेंट कहाँ हुआ है, जहाँ भी हुआ है कहाँ हुआ है, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की लोकेशन और कब हुआ है उसका टाइम, इंसिडेंट क्या है इन मतलब इन एक्चुअल इंसिडेंट है क्या, किसने किया है, कौन कौन एक्सेस करता है और ये सब, और कैसे हुआ है ये इंसिडेंट, इंसिडेंट के जितने भी सराउंडिंग के जो फैक्टर्स हैं, तो ये सब आपको पता करने होंगे। और जो भी तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आपको जो इन्वेस्टिगेशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले डाटा कलेक्शन कि जो स्टेप्स हैं वो ये हैं कि अगर आप किसी भी साइबर क्राइम सीन पे जा रहे हो तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है इट शुड बी कैरेट एंड इट शुड बी पैक्ड एंड इट शुड बी ऑक्यूपाइड इन अ फॉरेंसिकली साउंड मैनर, क्योंकि इट मे बी ऐसा हो सकता है कि वो सेंसिटिविटी के कारण या फिर कुछ बहुत ज़्यादा डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स हों वो डैमेज हो सकते हैं या फिर उनकी फॉरेंसिक वैल्यू जो है वो हैम्पर हो सकती है। तो फॉरेंसिक साउंड मैनर बाय दिस इट मीन्स कि जो भी है लाइक एज इफ यू हैव रिकवर्ड अ वायर अ केबल अ माउस कीबोर्ड वॉट एवर, तो जो भी है तो सबको अलग अलग जैसे जो मिला है वैसे उसको बिना डिस्टर्ब किए वैसे आपको पैक करना है, कलेक्ट करना है जितना भी डाटा है। कभी कभी ऐसा हो मतलब इट मे भी पॉसिबल कि आप जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर रहे हो किसी भी सिस्टम से, बट आपको करना है ताकि कोई सा भी डाटा या फिर कुछ भी छूट ना जाए, कोई सी भी फाइल मिसिंग हो सकती है। और नाउ कम्स फॉरेंसिक एनालिसिस प्लानिंग, वी हैव डन द प्लानिंग, वी आर डन विद द प्लानिंग थिंग, वी हैव रिस्पॉन्डेड द स्ट्रेटजी, वी हैव इन्वेस्टिगेटेड द होल क्राइम सीन, नाउ वी कम्स टू द फॉरेंसिक एनालिसिस। फॉरेंसिक एनालिसिस में आप रिव्यू करते हो, एनालाइज करते हो, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है अब उसको कलेक्ट तो कर लिया है पर अब उसका क्या करना है, तो उसको आपको रिव्यू करना है। जो भी लॉग फाइल्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में कितनी बार लॉग इन लॉग आउट वट एवर, जो भी कंप्यूटर सिस्टम का कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन है, वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री और ईमेल मैसेजेस और जितना भी आपको कंप्यूटर सिस्टम में जो फाइल्स है जहाँ जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो सब कुछ डाटा फाइल्स हैं, जो भी फाइल्स हैं वीडियो ऑडियो वीडियो फाइल्स और जितने भी टाइप की फाइल्स है आप जहाँ तक एक्सेस कर सकते हो आपको वहाँ पे एक्सेस करना है और सारे जो भी डाटा आपको मिलता है उसको एनालाइज। बहुत सारे लो लेवल जो टास्क रहते हैं वो परफॉर्म करने होते हैं एनालिसिस के टाइम पे, जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन में लुक थ्रू करना पड़ेगा कि कौन सा डाटा डिलीट किया हुआ है, कौन सा डाटा रिकवर किया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे हिडन डाटा भी हो सकते हैं तो उसको भी रिटर्न करना है। तो इन दिस मैनर यू हैव टू एनालाइज ऑल द डाटा फाइल्स। Now we are done with the investigation process. This is the end of the investigation process. How to report the whole investigation. कुछ basic से rules होते हैं जो कि हमें follow करने होते हैं investigation के लिए। Document immediately. आपको immediately जो भी आपकी जो review बनाए, जो भी आपका analysis है, you have to immediately document that analysis and जो भी कंक्लूजन है आपको कंक्लूजन्स उस जो रिपोर्ट है उसके अंदर आपको मेंशन करना है। और व्हाटएवर यू राइट और व्हाटएवर यू रिपोर्ट इट शुड बी क्लियर, इट शुड नॉट बी वेग, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए जो भी नेक्स्ट ऑफिसर है, जो भी चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होगी सब जो भी पर्सन है कोर्ट ऑफ लॉ में वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। कोई भी शॉर्टकट्स या फिर जो वेग या फिर स्लैंग और ये सब कुछ भी यूज़ नहीं करना और कुछ भी टेक्स्ट या फिर लाइन इनकम्प्लीट नहीं छोड़ने और जो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट करना है पूरा इंसिडेंट। तो एक फॉर्मेटेड जो स्टैंडर्ड होता है वो पर्टिकुलर प्रिसाइजली एक रिपोर्ट बनाता है और उसका जो इम्प्रेशन होता है वो एज़ कम्पेयर टू बिना फॉर्मेट वाला जो रिपोर्ट रहता है उससे ज़्यादा अच्छा होता है और वो एक्यूरेट होता है। आपको जो भी मेंशन करना है आपको ज़्यादा फालतू की चीज़ें उसमें मेंशन नहीं करनी है, जो भी व्हाटएवर आपने जो भी एनालाइज किया है वो आपको बस मेंशन करना है। सो दिस इज़ हाउ वी इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम। थैंक यू।